ढाड़ दर्द करते ओ इतने तो क्या कमी लानी क्या खाया खुजली करते अब तो बहुत अच्छा गुड मॉर्निंग नमस्ते फ्रॉम विलेज कैंपिंग दार्जिलिंग आज हम व्लॉग करेंगे हिंदी में क्योंकि ये स्पेशल व्लॉग है और हम चाहते हैं कि सब लोग ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया शुड नो अबाउट दिस यू नो हमारा दार्जिलिंग विलेज में हम क्या करते हैं हम स्टिल वी ग्रो पैडी इट्स जस्ट 26 किलोमीटर्स फ्रॉम मेन डी टाउन दार्जिलिंग सो अभी हम घर पे हैं ये मेरा ग्रैंडफादर का उनका भाई का घर है सो आइए आपका घर का टूर देते हैं सो ये देखिए सिंपल सा विलेज हाउस है ये जितना भी वॉल वगैरह है दीज आर ऑल मेड ऑफ मड एंड ये नीचे देखिए इवन ये भी मड से बना हुआ है भाई साहब हरियाली ये देखिए सब कुछ मड है हमारा ये मैजू का रूम ठीक है हमारा हिंदी उच्चा उतना अच्छा नहीं है ये हमारा डॉग ये हमारा दोस्त ओए अरे देखिए ये है किचन मेड ऑफ मड बैम्बू वगैरह और दूसरा घर है हमारा मैजू का ये भी मड से ही बना है सो वी आर सो इको फ्रेंडली वो मेरा दोस्त का घर वो भी मड से बना है सो सोचिए हम विलेज में अभी तक ऑर्गेनिक घर में रहते हैं ऑर्गेनिक घर में तो आइए चलिए हम आपको ले जाते हैं हमारे फील्ड की तरफ जहाँ पर हम आज पैडी प्लांटेशन करेंगे या हम आमा माइजू या माइजू खाना खा रहे हैं आज हम हिंदी में ब्लॉग बनाएंगे ताकि सबको समझ में आए लु जाऊ यहाँ जो एउटा इन्टरभ्यू लिन्छु तेरो ये है हमारा दोस्त यसले छेरे छ हाते मेरो और हम पहुँच गए हैं हमारा पैडी फील्ड देखिए गाइस ये धारा है जहाँ पर हम जहाँ से लोग पानी पीते हैं एकदम ऑर्गेनिक वाटर ऑर्गेनिक पानी और देखिए ये है बीजन बोलते हैं हम लोग बीजन ये है बीजन इसको सैपलिंग्स हाँ गोरू जोताई हमारा बड़ा आपका टोपी किधर से लाया ये टोपी कहाँ बाट ल्याउनु भएको सुरुवात लिएको छालाको हो क्या भैँसीको छाला सुँगुरको छाला यहाँ पर है हमारा मैजू मैजू आप क्या कर रही हैं दाल गाड़ रही हूँ इधर दाल यस कौन सा दाल काला है काला दाल है काला दाल और मशियम हाँ एकदम हिंदी में बात करना है हिंदी में बात करना और ये हमारा मम्मी मैं रोपे धान पड़ने दे कान्छा दाजुको फेरी
आप तो बहुत अच्छा डांस करता है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? हमारा मामा जी शर्मा गए, आप शर्मा रहे आप। अब के गर्नु, अब हाम्रो बर्खाको काममा अब यस्तै हुन्छ, रोपाइहरू गर्नुपर्छ, यसरी हिलो हाली काम गर्नै पर्छ। र मात्रै अब हामीले यसो धानहरू रोपिन्छ र गाईहरूलाई परालहरू दिनुको लागि। अब पछि चैत वैशाखमा घाँस हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले धान रोप्नै पर्छ। ए है, दामी दामी हो, सही कुरो हो। अरू योपालि त यो धान अब कहिले हुन्छ, फेरि कहिले चाहिँ पाकिसक्छ यो? अब यो धान चाहिँ अब हाम्रो मङ्सिर लागेर चाहिँ हामी धान काटेर उठाइसकिन्छ। मङ्सिर भने चाहिँ अङ्ग्रेजी क्यालेन्डरले डिसेम्बर, डिसेम्बरमा उठाइसक्छ। हजुर, डिसेम्बरमा उठाइसक्छौँ हामी। यो धान चाहिँ कहिले पाकिसक्छ होला? नोभेम्बरतिर, जस्तै अब नोभेम्बर अथवा डिसेम्बरमा, नोभेम्बरमा चाहिँ पाकिसकेको हुन्छ। नेपाली महिनामा चाहिँ यो कार्तिकमा चाहिँ पाकिसकेको हुन्छ। यो जस्ट दिवाली पछाडि चाहिँ हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ काटेर सुकाउने है? हजुर, काटेर सुकाउनुपर्छ, त्यसको चार पाँच दिनमा हामी उठाउँ। ल भनेपछि योपालि चाहिँ खानु पाउने भयो यो। अन्त साँच्ची भन्दा कुन चाहिँ धान पो अरे यो त? यो कटाका धान हो। कटाका, हजुर, एकदमै राम्रो हुन्छ यो धान। यहाँ जुन चाहिँ कलर गर्दैछ यो गरेको चाहिँ के भन्छ यिनीहरूले? फेउरी वाल हो, वा उता जाने बौँसे हो। हजुर, अब यता उहाँहरू चाहिँ रोप परेर हो, यहाँ भयो रोप। तल एक्लै हुने छुरी लिएर भयो भने चाहिँ डन रोप्ने, डन होला त्यो चाहिँ छुरी लिएर हेर। यो फेउरेले चाहिँ त्यस्तो गरेर चाहिँ के लेबल मिलाएको हो? हजुर, लेबल मिलाएको यो एकदम। ए हजुर, यसरी हिलो तानेर पानी जहाँ अग्लो छ त्यहाँ चाहिँ हिलो ल्याइदियो भने चाहिँ पानी लेबलमा चाहिँ त्यस लेबल आउँछ। यो चाहिँ अब हामीले जो रोपरहरूलाई चाहिँ यो फालिदिनुपर्छ, जो रोप्ने जग्गा छ त्यहाँ हामीले फालिदिन्छौँ। धानको बिउ फाल्दैछौँ, एकछिनै बस्छ, हमारा बड़ा मामा। मामा आपको कुछ बोलना है हिंदी में? आली ऐसे लगाऊं बस, आली ऐसे लगाता आली। बजारे यस्तो हुन्छ है, बजारे बजारे यस्तो हुन्छ, तर एक्सपिरियन्स हुन्छ नि फेरि। और कैसा लगा मम्मीजी? बहुत अच्छा लगा, हमारा बहुत 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 वर्षों के बाद आज आया इधर हम लोग अपना भैया के खेत पे धान रोपने के लिए। लेकिन बहुत धार दर्द करते, ओ इतने तो क्या कमी लानी, क्या खाया खुजली करते काटा है, काटा है, हम ऊपर जाता है, बाद में आएंगे। आने के लिए मुश्किल हो रहा है, फिर मिलते हैं, चलते चलते। और आपको कैसा लग रहा है? दिखे ना इधर के नसोदा सुनो, कपाल खाली निस्क्यो सुनो न, अब दाल रोप के कैसा लग रहा है आपको? देखिए कैसे दाल रोप रही है, दवाई पनि छर्दैछ क्या, दाल रोप्दा किन
स्प्रे गर्दै छ र इसका है, ये धान बोलती है हम लोग, और इसका ही राइस बनाता है और ये लाइक जुलाई में करते हैं आप लोग प्लांटेशन? हम लोग जून जुलाई में करते हैं और नवंबर में इसको ठीक हो जाता है फिर कट करके सभी हम लोग को उठाना है, क्लीन करना है, फिर रखना है फिर खाना है उसके बाद फिर खाना है। आप लोग बेचते भी हो ये? हाँ बेचते में पीस के रखते में खाती है। ऑनलाइन बेचते हो? नहीं ऑनलाइन नहीं, हम लोग ऑफलाइन है। आप भी अब बेंगलोर में था है ना? थी, तो अभी गांव आ गए वापस। सो गांव वापस आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये बचपन से हम लोग का प्यार है ना इसमें। हम लोग बहुत किसान करते हैं, हम लोग माँ बाप ये सिखाया, हम लोग ये करते हैं। आप लोग भी गोरु चराते थे? हाँ बहुत गाय बकरी बहुत अयो और बहुत जंगल में जाते थे हम लोग चराने के लिए। आप तो बचपन से इधर ही हो ना? हाँ। तो आपका बचपन का विलेज और अभी का क्या अंतर है? बहुत अलग है। क्या क्या हो गया? अभी क्या हो गया कि बहुत परिवर्तन हो गया ना। हाँ। जो भी पहला का कैसा था अभी का कैसे हो गया है आज का लंच का आइटम क्या है वो बता दीजिए। आइटम आज का चना मटर चना आलू है और छुरपी का चटनी है और दाल है और राइस है। और मांसो? मांसो में अभी कुछ नहीं है, अभी नाइट में खाली मिलेगा चलो धन्यवाद आपको। थैंक यू बाय बाय। थैंक यू बाय बाय। तलदेखि जत्तै जत्तै हामी माथिसम्म आयौँ हलोको चिनुले हाम्रो लु लाखे राम्रो सुनौँ है। हौ साथीभाइहरू राम्रो सुनौँ, हलोको चिनुले पो डल्लै जितेर ल्याएको हो नि त। अरे बोकेको बोकेको छौँ अझै, हाम्रो दुई चार महिना अझै हलो बोक्दैछौँ हामी। तर हाम्रो हलो बोके अनुसार त हाम्रो फेरि क्यान्डिडेटले हाम्रो दिएको अनुसारले त हामीले हलोले त बहुत काम बोक गऱ्यौँ है। अब विकास भनेको चाहिँ त्यो हलै हो लु। मेरो भनौँ यति नै हो, अरू कुरा के छ आफै भनौँ है, नरिसाङ्नु। प्लान्टेसन खतम हो गया और हम सब लोग वापस जा रहे हैं अभी। अब देखिए सो नमस्कार सभी को, हमारा आज का प्लान्टेसन खत्म। और ये देखिए पैडी फील्ड जहाँ पर हमने वो कर चुके हैं और हमारा मामा इधर अपना सेक्सी सेक्सी पैर धो रहा है, हाफपैंट भी धो रहा है हल्का धोयो हल्का चीज सुकायो है और मामा जी आप खुश हो? खुशी भ तब काम सकिँदैन त हो बस्तीमा त काम त के होइन हिँड्ने रहन्छ नि। आजलाई चाहिँ सक्छ, आजलाई सक्छ, आजलाई चाहिँ। अन्त अब यो धान कहिले उयो हुन्छ हौ पाक्छ? यो नोभेम्बर 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 चाहिँ काट्छ है? काट्छ उठाउँछ बोलाउनु त्यति पनि ल। खतम हो गया का आजका दिन खा धान रोप्ने का। ये देखिए हमारा धानबारी, अब इसको फिर नोभेम्बर में कटिंग होगा, उसके बाद इसका राइस निकालेगा वहाँ से और दमसाउने उसके बाद। ठीक है, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग विलेज कैंपिंग दार्जिलिंग। या आई एम गिविंग यू गाइज द हाफ हार्ट
you should give me the other half, okay? Show some love to Village Camping Darjeeling.